Assalamualaikum, मैं हूँ शेफ समिया जमील, सीबो के एडमिन एंड फाउंडर, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी वुमेंस डे सीबो के प्लेटफॉर्म पे। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को कॉल की और हमने उनसे डिस्कस किया कि हम इस डे को किस तरह से सेलिब्रेट करें। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने हमें राय दी कि कुछ इस तरह करें, कुछ करें, लेकिन मुझे और मेरी टीम को ये लगा कि क्यों ना हम इंटरव्यूज़ करें। ब्रांड को तो हम जानते हैं उनके जायकों के मुताबिक कि भाई फलाना ब्रांड है और उसका जायका बड़ा अच्छा है, लेकिन कभी हम उनको पर्सनली मिल नहीं पाते क्योंकि फ़ोन पे बात होती है या हम इंटरनेट के थ्रू उनसे बात कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उस ब्रांड के ओनर को ही बुलाएं ताकि कुछ जाने कि उन्होंने ये ब्रांड क्यों बनाया, कैसे बनाया और क्या खासियत है। तो आज मैंने इन्वाइट किया है यूसरा केटर्स यूसरा को। अस्सलाम वालेकुम। अजरा नाम है, बेसिकली इनकी बेटी का नाम जो है वो यूसरा है, जिसके नाम पे उन्होंने ये केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, हैदराबादी कुजीन क्यों? क्योंकि असल में हैदराबादी कुजीन की मेरी स्पेशलिटी है, मैं ख़ुद बेसिकली हैदराबादी हूँ। और क्या कहते हैं, ये इसके आइटम ऐसे होते हैं जो यानी कि हर कोई नहीं बना सकता। हाँ, ऑब्वियस। तो क्या कहते हैं, माशाल्लाह से मेरे ददियाल में मेरे अब्बू ख़ुद पकाते थे, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, तो हमारे पीछे से ही सब बहुत अच्छा पकाने वाले आ रहे थे, तो बस वो आप में ट्रांसफ़र हो गया। कैसा लग रहा है वुमेंस डे सीबो के साथ? माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस में शामिल किया और क्या कहते हैं सब तक के मेरी कहानी पहुँचाने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे चूज़ किया? खाना तो हर कोई बहुत अच्छा बनाता है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ से अगर हमारा ताल्लुक़ होता है तो हम ऑब्वियस है कि उस कम्युनिटी के खाने को अपने घर के अंदर इनकॉर्पोरेट रखते हैं और आस पड़ोस के लोगों को, क्योंकि जब हम बता रहे होते हैं तो उनके मुंह में बड़ा पानी आ रहा होता है, तो कभी हम उनको भी टेस्ट कराते हैं। लेकिन प्रॉपर इसको बिज़नेस बनाना, ये क्या जर्नी थी, कैसे शुरू किया, क्या कॉन्सेप्ट था? बेसिकली क्या कहते हैं, मैं घर में माशाल्लाह से मेरे चार बच्चे हैं, तो सब छोटे थे और मेरे हस्बैंड ने या मेरी वालदा ने मुझे इनक्रेज करा कि भाई आप ये काम करें, और बस मैं इस फील्ड में आई। और अच्छा, आपके पास सारी ही हैदराबादी कुजींस हैं या आप और भी डिफरेंट? मैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन जब से मुझे क्या कहते हैं आपने मेरी रिकमेंडेशन दी है हैदराबादी फूड के लिए, तब से मुझे सिर्फ हैदराबादी ऑर्डर आते हैं और मैं सिर्फ हैदराबादी ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि फिर क्या कहते हैं क्लाइंट ना कंफ्यूज़ हो जाते थे। अच्छा, वो उसके रेट भी मालूम करते थे और दूसरे क्या कहते हैं कुजीन के रेट भी मालूम करते, तो उसमें वो कंफ्यूज़ हो जाते थे कि ना ये तो आप इतने में दे रही है, आप इतने में दे रही हैं, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। बहुत मखसूस कम, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मुझे हर चीज़ आती है बनाने, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हैदराबादी फोकस करा। आप तो बहुत बच्चों में आम खातून, घरेलू, बिल्कुल घरेलू, क्योंकि आपको बात करने से भी लग रहा होगा कि बिल्कुल भी स्पीड या उस वो वाला स्पार्क नहीं है, तो घर में बैठे बैठे कैसे मियाँ को कैसे आप पे इतना ट्रस्ट हुआ, कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं मेरी बीवी कर लेगी? क्योंकि मुझे जिस तरह याद है वो पहला ऑर्डर, मुझे खुद याद है आपका पहला ऑर्डर, कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि समझा मैं आपको खाना भेज रही हूँ, आप इसकी ना PR पैकेज भेज रही हूँ, आप इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी आई, खट्टे बैंगन आए, भगारे बैंगन आए और बहुत सारे कबाब आया और मीठा भी था आई थिंक कुछ, नहीं मीठा नहीं, शायद ये चीज़ें थी, और मैंने खाया और मुझे तो बहुत पसंद आया, और मैंने कोई बहुत ही कोई रच बस के रिव्यू कर दिया अपने जायके के मुताबिक, ये खाना रखा मुझे भूख लगी रही है। तो जब रिव्यू किया तो इनका कॉल आ गया कि मुझे ना 15, अच्छा मुझे नहीं पता चला कि इनके साथ बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन इनका क्लाइंट का मुझे कॉल आया कि आप ऐसे ही रिव्यू कर देती हैं, उनको तो पता ही नहीं, उन्होंने मेरा खाना नहीं पहुँचाया। मैं घबरा गई, मैंने कहा या अल्लाह, मैं तो बड़ा अच्छा खासा रिव्यू किया था, ये मसला क्या हो गया मेरे साथ? मैंने इनको फ़ोन किया, तो जब मैंने इनको फ़ोन किया, वो मुझे समझ ही नहीं आया था वो इतने सारे आपके रिव्यू के बाद मुझे 15 ऑर्डर मिल गए, तो मुझे समझ, मैंने सब राइडर को एक ही वक्त का टाइम दे दिया, मैंने कहा या अल्लाह एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर सब कैसे पहुँचेंगे। लेकिन जब एट लास्ट ये मैं क्या कहते हैं, ये मेरी क्या कहना चाहिए पूरी 3 साल की स्टोरी का सबसे यानी कि बेस्ट पार्ट ये है कि 2.5 साल मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत यानी कि जगह जगह जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रुप में मैं जा सकती थी, जहाँ जहाँ से मुझे ऑर्डर मिल सकते, हर काम करा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता था, यानी कि वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो मुझे यानी कि करनी थी, वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 2.5 साल के बाद जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे बैक कर लेना चाहिए, ये फील्ड मेरी नहीं है, मेरे बस का यानी कि मैं घरेलू खातून हूँ, मुझे घर में ही रहना चाहिए, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या कहते हैं एक सीबो की, सबसे पहले तो समीना अंजुम का नाम लूँगी, वो मेरी कामयाबी में सबसे पहला हाथ उनका है, बहुत अच्छा कि उन्होंने मुझे एक इवेंट में मिली, उन्होंने वहाँ से मुझे सीबो पे इनवाइट करा, सीबो पे मैं मुस्तकिल रही, फॉलो करती रही,
फिर एक कौन सी ईद मिलन पार्टी थी, उसमें मैं गई, उसमें भी बहुत मुश्किल थी बिल्कुल एंड टाइम पे, मैं सिर्फ एक घंटा बाकी है निकलने के लिए और मैं वो गई कि मैं नहीं जा रही, लेकिन फिर भी मुझे कुछ हुआ कि मैंने नहीं निकलना है निकलनी और मैंने उस तकरीब अटेंड करी और सिर्फ हमारी शायद 2 मिनट की बात हुई है, 2 मिनट की बात, उसके अंदर मैंने कहा है कि आप मेरी बिरयानी खा के देखें, तो सामिया ने मुझसे कहा कि आपकी बिरयानी में ऐसी क्या बात है, मैंने कहा खा के तो देखें। फिर उसके बाद मैंने एक हफ्ते बाद मैंने कुछ एकदम से, यानी कि सब कुछ एकदम से, यानी कि एक समझ रहे हैं कि एक वो चल पड़ी, ट्रेन चढ़ पड़ी, एक रास्ता बन जाता है, और क्या कहते हैं ना, मेरे दिमाग में आया जो चीज़ मुझे 2.5 साल से नहीं आ रही थी वो एकदम से आई कि मुझे ना पैकेजेस बनाने चाहिए, पैकेज बना के ऑफ़र करनी चाहिए। मैंने वो ऑफ़र करी और उस ऑफ़र का पहला ऑर्डर मैंने सामिया को भेजा कि आप मेरे लिए रिव्यू करें, इन्होंने वो रिव्यू करा है और आप यकीन करें कि मुझे 1 साथ 20 ऑर्डर आ गए और वो 20 ऑर्डर ऐसे आए कि मैं थोड़ी सी ना परेशान हो गई, आगे मुझे कुछ ज़्यादा ही थी, ये थोड़ी का वर्ड नहीं था, मुझे पता है वो 3 क्लाइंट मैंने फेस किए थे और मैंने उनको काम डाउन किया, नहीं हो जाएगा कोई मसला नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। मैं क्या कहते हैं ना उन बेचारों को मैं दूसरे दिन क्या कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री देने के लिए तैयार थी, मगर वो नाराज़ हो चुके थे। मगर खैर बहरहाल वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि सामिया के अल्फाज ऐसे अल्फाज थे मेरे लिए जो मेरे अभी तक के काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी होता है कि वो घरेलू खवातीन जो बिल्कुल सादी तबीयत हों, जिनका काम सिर्फ फोकस अपने घर वाले, उसके बाद अपनी लिमिटेड पढ़ाई, उसके बाद फैमिली, उसके बाद शादी कर देना बहुत अर्ली एज में, फिर माशाल्लाह बच्चे और फिर फैमिली ससुराल और सब कुछ होता है, तो बहुत सारी चीज़ों की सोच की डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती कि उनको करना क्या है, लेकिन अंदर एक जस्तजू होती है। आप बच्चों में ही देख सकते हैं कि क्लास में 30 बच्चे हैं अगर, तो 30 में से कुछ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही सोल होते हैं, कुछ बच्चे बड़े समझदार, बुर्दबार, बड़े जमा के अल्फाज बोलने वाले, पढ़ाई में अच्छे। हम बच्चों को बचपन से ही कैटेगराइज करने लगते हैं, तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम अपनी इनर सेटिस्फेक्शन को कभी उभार ही नहीं पाते कि हमारे अंदर बेसिकली क्या एक डेवलपमेंट है। तो शादी होने के बाद से यूसरा बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम इंसान, और उनको घर वालों ने ही मोटिवेट किया और उन्हें माशाल्लाह आज सीबो के वुमेंस डे के ऊपर बैठी इंटरव्यू कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि जो खुद बिल्कुल शाय, बहुत खामोश, ना समझ में कि नहीं मैं कैसे करूँ, घबरा जाऊँगी, लेकिन हालात बदल देते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं जी। और अब तो माशाल्लाह आती हैं, माशाल्लाह से अब क्या कहते हैं उसे, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है और बहुत सब लोग इज्जत करते हैं। फैमिली में क्या रिस्पांस आया यूसरा, फैमिली कैसे देखती है अब आपको? माशाल्लाह से फैमिली तो वो क्या कहता है कि यानी कि एक वो बढ़ गई, प्राउड, फखर। हाँ, अब सब लोग बहुत ही वो करते हैं, यानी कि एक समझते हैं कि भाई, यानी कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि जो एक बिल्कुल ही अपने में मस्त रहता हो और क्या कहते हैं ना उसका कोई यानी कि बाहर से लेना देना ना हो, वो बंदा इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और इतना ज़्यादा एकदम से निकल के सामने आएगा कि क्या कहते हैं, तो लोगों के लिए आप फख्र होती हैं, शादी वादी में जाती हैं तो लोग आपको बोलते हैं भाई ये हैं यूसरा केटर्स। और मुझे खुद पहले कहते तो क्या कहते हैं हैरत होती है कि क्या मैं वाकई में इतनी अच्छी हो गई हूँ कि ना सब लोग मुझे इतनी अकीदत से मिलते हैं कि बोलते हैं आप यूसरा हैं, आप यूसरा हैं, तो मुझे हाँ मैं यूसरा। सोचे बेटी कितनी लकी आपके लिए कि उसका नाम आपको माशाल्लाह से, ये तो है कि क्या कहते हैं ना उसे, इसका तो पीछे था ही कि क्या कहते हैं इनका नाम है हम सबके लिए बहुत अच्छा, लकी है तो हमें यही करना चाहिए उसका। अब बता टीवी पे आने के बाद क्या फेम मिला माशाल्लाह से, एक यानी कि एक कहते हैं क्लाइंट का कॉन्फिडेंस वो क्या कहते हैं बढ़ जाता है, दूसरा क्लाइंट आपके पास यकीन करने ज़्यादा लग जाते हैं, उन्हें एक बस यानी कि वो हो जाता है कि ये जो बंदा है ना ये बिल्कुल सही काम करके दे रहा है, यानी कि ये फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये हमारे साथ कहने हमारे चीज़ को ख़राब नहीं करेगा और हमें यानी कि अपनी बात का पाबंद है, पाबंद है ये। अच्छा बड़े बड़े इवेंट्स को भी आप कवर कर रही हैं माशाल्लाह, 20 की जगह आप 200 लोगों को भी दे सकती हैं, ना 200 लोगों तो नहीं लेकिन क्या कहते हैं ना 50% को 50-60 तो हो जाता होगा आराम से। नहीं ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। कुछ मैसेज देना चाहेंगी अपनी उन लड़कियों को जो आप जैसी हैं, वो खवातीन जो कि घर में बैठी हैं माशाल्लाह उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूर करें और अपने अंदर मौजूद टैलेंट को ज़रूर पहचानें और कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये नहीं है कि क्या कहते हैं अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो ही आप इस किस्म की फील्डों में आएँ, चाहे कुकिंग है, बेकिंग है, फ्लावर मेकिंग है, कुछ भी है, इवेंट प्लानिंग है, किसी में भी पैसे की उससे ना आए, ये सोचे कि हमारे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, जो ये कहते हैं आप अगर किसी चीज़ से कनेक्ट रहेंगे तो आप अपने पर्सनल मामलात भी बहुत अच्छे से एक्टिवली कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि हर खवातून को कुछ ना कुछ लाजमी करना चाहिए,
بہت شکریہ بہت شکریہ یسرا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا بولا سمجھایا یہ بہت ضروری ہے کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ صرف فائنینشلی ہی پرابلمس جب آپ کے گھر کے اندر ہوں تبھی آپ جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کے لیے باہر نکلیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ فیل ہے اور خاص طور پہ وہ خواتین جو گھر کے اندر ابیوزڈ ہوتی ہیں یعنی کہ ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ بول دیا جاتا ہے کہ تم بالکل فالتو ہو یا جو بچیاں بہت شائع ہوتی ہیں خاموش طبیعت ہوتی ہیں تو ان کو ڈفرینٹ فورمس کے اوپر دبایا جاتا ہے لیکن ان کو کچھ کرنا چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے گھر سے ہی کام کریں اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں اور ہر حالت میں آپ کے پیرنٹس آپ کے فیملی ممبرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تبھی ہم آ کر ایک نام بناتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئی انفارمیشنس کے ساتھ نئی موٹیویشن نئے اسپرٹ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہیپی وومنس ڈے اللہ حافظ